सन्नी बेटा, सन्नी ये क्या हो रहा, और ये लड़की कौन है? अरे मम्मी, ये मेरी टीचर है, मैं आपको बताना भूल गया था, आज से मुझे घर पे ही क्लास देगी। टीचर है तो ये लेटी क्यों थी? अरे मम्मी, वो मुझे बायो सिखा रही थी ना, इसीलिए। ये क्या होता है? अरे वो बायोलॉजी की टीचर हो ना, इसे कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही थी, तो इसको मैं प्रैक्टिकल करके सिखा रही थी। अच्छा, तो ये ऐसे ही सिखाते हैं? हाँ हाँ, जब बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता ना, तो ऐसे ही सिखाते हैं। अच्छा अच्छा, तो आप ना इसको अच्छे से पढ़ा देना है सन्नी, अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ना। अब मैं तुम लोग को डिस्टर्ब नहीं करूंगी, पढ़ो 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 जल्दी से। सन्नी कितनी पागल माँ है तुम्हारी, कभी भी कहीं पे भी डिस्टर्ब कर देती है आकर। यार ऐसी कोई बात नहीं है, वो मम्मी गांव में रहती थी ना, अभी कुछ दिन से यहाँ पर आई है, तो उन्हें शहर के बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसीलिए उन्होंने इतना कुछ बोल दिया। तुम अभी अपनी माँ से इतना डरते हो, तो शादी के बाद तो तुम्हारी माँ जीने हराम कर देगी। अरे यार ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं डरता नहीं हूँ उनसे, रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, यार माँ है मेरी, अब माँ की रिस्पेक्ट नहीं करूँ क्या? अरे तू कितना पागल है, मेरे तो एक चीज समझ में नहीं आती है, तो अपनी माँ के आगे मेरे लेने में क्यों लगा था फिर, जब तुझे इतना ही रिस्पेक्ट करना है तो। अरे यार देखो, माँ की रिस्पेक्ट भी करनी जरूरी है और गर्लफ्रेंड के लेने भी जरूरी है, कभी कभी तो टाइम मिलता है गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड को ऐसे अकेले में। अब तो मेरी टीचर बन के आई हो और अभी भी कोई नहीं होता, मम्मी तो अपने कमरे में रहती है, बस ये सोच के तुम्हें मैंने यहाँ बुलाया था, अब मुझे क्या पता था मम्मी बाहर आ जाएंगी। अच्छा ये सब छोड़ो ना यार, मेरा ना फिर से मूड बन रहा है, चलो ना शुरू करते हैं। ठीक है, देख लो कहीं तुम्हारी माँ दोबारा ना आ जाए। अरे अब मैलू अपने कमरे में सोने चली गई, मेरा बहुत मन कर रहा है, देखो ना ये भी उछाल मार रहा है करने के लिए। सन्नी हो गई बेटा पढ़ाई? मैं क्या कह रही थी ना, टीचर दीदी थक गई होंगी ना, पानी पिलाओ। क्या माँ, आप ना बार बार डिस्टर्ब कर रहे हो, आपको पता ना मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, आप अपने कमरे में आराम कर लो ना। क्या आराम करेंगी, वो गंवार है तुम्हारी माँ, अरे ढंग से पढ़ने भी नहीं दे रही अपने बच्चे को, मुँह उठाकर बार बार आ जाती है गंवार औरत। मैडम ये आप किस तरीके से बातें कर रही है, अरे वो मेरी माँ है, इज्जत से बात करिए ना। इज्जत दे तेल लेने। अरे नहीं नहीं सन्नी बेटा, टीचर दीदी सही कह रही है ना, वो डिस्टर्ब हो रही होंगी ना, मैंने पानी रख दिया, आप दोनों पी लेना, मैं अब नहीं आऊंगी पक्का आप दोनों को डिस्टर्ब करने, ठीक है? सॉरी यार कशिश, वो मम्मी की वजह से मैंने तुम्हें इतना कुछ सुना दिया। चुप करो तुम, तो तुम्हारी गंवार माँ जब मर्जी परेशान करने आ जाती है, और मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट कर आई हूँ तुम्हारे पास, तुम्हें पता है तुम्हारे जैसे 36 लौंडे ना मेरे आगे पीछे घूमते हैं, पता है किस चीज के लिए, सिर्फ एक गुफा के लिए और मेरी लेने के चक्कर में, और तुम्हारे लिए ना मैं इतना टाइम वेस्ट कर आई हूँ, और तुम्हारी माँ गंवार है। यार ऐसे मत बोलो यार, मेरी माँ है वो, और तुम थोड़ा आराम से बात करो ना, मम्मी को पता लग जाएगा फिर। मम्मी को पता चले ना तो पता चलने दो, वैसे भी वो पूरी गंवार है, गाँव के उठा के लाए हो ना अपने गाँव। यार क्या ये गवार गवार लगा रखा है, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है क्या, बड़ों से कैसे बात करी जाती है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो इसलिए तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ। ओ हेलो, अगर तुम्हें मेरी लेनी है ना तो बर्दाश्त तो करनी पड़ेगी, वरना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम जैसे इंसानों पे, मैं जा रही हूँ यहाँ से। नहीं बेबी, तो बुरा मान गई, मैं तो बस यूं ही कह रहा था कि मेरी माँ है, थोड़ा प्यार से बात करती है, और तुम इतनी नाराज क्यों हो जाती हो? देखो माँ के बाद बीवी ही होती है, और तुम्हें अगर मेरे से शादी करनी है ना तो सारी चीजें बर्दाश्त करनी पड़ेगी, और तुम्हारी माँ के सामने तुम खुलेआम कर रहे हो। अच्छा चलो ये सब छोड़ो ना, मेरा फिर से मूड बन रहा है, चलो ना करते हैं, ये सब बातें छोड़ते हैं ना, और वैसे ही माना अब नहीं आएगी, तुमने इतना कुछ सुना जो दिया उनको। सन्नी आई तो मैं भी इसीलिए थी, क्योंकि मेरा भी मूड बहुत ज्यादा कर रहा था, और तुम्हारी गंवार माँ ने दो बार आकर डिस्टर्ब कर दिया, मूड की ना पूरी माँ बहन एक हो चुकी है, अब मेरा ना करने का मूड हो ही नहीं रहा है। अरे बेबी तुम इतनी टेंशन क्यों लेती हो, तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारा मूड बनाना कितने अच्छे से आता है, चलो ना रोमांस करते हैं। ठीक है फिर, मूड के साथ साथ और कुछ भी, चलो गुफा में डालने का टाइम आ गया, पर अब तुम्हारी माँ तो नहीं आएगी ना? कोई भी नहीं आएगा। सन्नी मैं अब तुम कुछ नहीं बोलोगे, जो बोलना है मैं बोलूंगी। आंटी जी मैं कोई इसकी ना टीचर विचर नहीं हूँ, मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ, प्यार मोहब्बत की बातें चल रही थी, बार बार आकर ना डिस्टर्ब कर दिया है, पता है मेरे दिमाग की ना दही हो चुकी है दही। सन्नी अपनी दही निकलवाने आई थी, पर दिमाग की ना पूरी दही कर दी आपने, जा रही हूँ मैं यहाँ से, गंवार माँ को लेकर ना यहीं पे रहना। अरे कशिश मेरी बात,
ये टीचर दीदी क्या बोल गई? हाँ माँ, उसने जो कुछ भी कहा सच कहा। वो मेरे कोई टीचर नहीं थी, मेरी गर्लफ्रेंड थी। मतलब तुमने अपनी माँ से झूठ बोला, उसको झूठ मूठ का टीचर बना के हमारे सामने लेके आए। हम तुम्हारे पापा को कॉल करते हैं, वही बताएंगे तुमको। अरे नहीं माँ, माँ पापा को बताइए। माँ माँ सुनिए,